बुरहानपुर जिले में कोरोना की रोकथाम और नियंत्रण के लिए जिला प्रशासन के द्वारा जिले में 23 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगाया गया है। कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी प्रवीण सिंह ने कोरोना को परास्त करने की इस लड़ाई में जिलेवासियों से सहयोग की अपील की है। उन्होंने जिलेवासियों को वीडियो के माध्यम से संदेश देते हुए कहा कि जिला प्रशासन के द्वारा जारी कोरोना कर्फ्यू को प्रशासनिक कर्फ्यू न मानते हुए इसे जनता का कर्फ्यू माने। सभी से अनुरोध है कि कोशिश करें कि घर से बाहर न निकलें, मास्क लगा कर रखें, हाथों को बार बार साफ करें, कोविड के नियमों का पालन करें। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरह आप सभी ने कोरोना की चेन को तोड़ने में जिला प्रशासन का सहयोग दिया है, जिससे कि जिला कोरोना की पहली लहर को आसानी से पार कर गया था, मेरा सभी जिले वासियों, धर्मगुरुओं और राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधिगण, आम जनता, मीडिया बंधुओं से आग्रह है कि संकट की इस घड़ी में जिला प्रशासन का साथ दें और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। सभी बुरहानपुर वासियों को मेरा नमस्कार। आप सबको विदित है कि जिला प्रशासन ने 23 तारीख तक जो है कोरोना कर्फ्यू को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं, 144 के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। मेरा सभी बुरहानपुर वासियों से अनुरोध रहेगा कि इस कोविड कर्फ्यू में हम लोग इसको जो है प्रशासनिक कर्फ्यू न मानते हुए ये माने कि ये जनता का कर्फ्यू है और जनता के इसमें पूरा सहयोग जो है जिला प्रशासन अपेक्षा कर रहा है। हम लोग पूरी तरीके से ये कोशिश करें कि हम किसी भी वजह से घर से बाहर ना निकलें, सब लोग अपने अपने घरों पर रहें, मास्क लगा के रखें, अपने हाथों को धोते रहें, कोविड के नियमों का, कोविड के प्रोटोकॉल्स का पालन करें। जिस प्रकार से पिछले साल 2020 में मई में आप लोगों ने जिला प्रशासन का सहयोग दिया था और हमारा जिला बहुत ही आसानी से कोरोना की पहली लहर को पार कर गया था। मेरा सभी जिलावासियों से अनुरोध है, मेरा सभी धर्मगुरुओं से अनुरोध है, सभी राजनीतिक पार्टी के दलों से अनुरोध है, आम जनता से अनुरोध है, मीडिया से अनुरोध है और समाज के सभी प्रबुद्ध जनों से अनुरोध है कि इस विकट घड़ी में, इस संकट की घड़ी में जिला प्रशासन का साथ दे, कोविड के प्रोटोकॉल का पालन करें, क्योंकि स्थितियाँ पिछले साल से ज़्यादा खराब होने जा रही है। इस वायरस का संक्रमण बहुत तेज़ी से होता है। पिछली बार जहां प्रत्येक व्यक्ति को उसके लंग्स में, उसके फेफड़ों में इन्फेक्शन होने में वायरस के जो है 8 से 10 दिन लगते थे और इस बार तो वायरस का संक्रमण बहुत तेज़ी से हो रहा है और व्यक्ति को 4थे या 5वें दिन में ही जो है लंग्स पर वायरस अटैक कर रहा है और लंग्स पर अटैक करने के बाद में उस व्यक्ति की जान बचाने में अस्पताल के डॉक्टर्स को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है। मेरा सबसे अनुरोध है कि इस वायरस को बिल्कुल सीरियसली लें। इसमें कोई भी तरीका का ऐसा नहीं कि हम लोग ये सोचे कि जैसे पिछली बार भी था खाली सर्दी खांसी जुकाम है, ये ऐसा नहीं है। ये संभवतः कुछ अलग म्यूटेंट हो सकता है, बहुत सारी नई नई चीज़ें हैं, हालांकि ये वैज्ञानिक शोध का विषय है, परंतु जो प्रैक्टिकल मैं देख रहा हूँ वो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। मेरा सबसे अनुरोध है बहुत ही गंभीरता से हम सब लोग इस स्थिति को समझें और समझ के कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें और अगले 7-8 दिन कोरोना कर्फ्यू नहीं बल्कि जनता कर्फ्यू मानना है और ये मानना है कि ये कर्फ्यू जनता ने लगाया है और हम सब मिलकर इस कोरोना को लड़ाई की जीतेंगे। धन्यवाद। जिला ब्यूरो चीफ मनीष महाजन की रिपोर्ट।